तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बच्चों, जब मेरा टाइम था, मेरा जमाना था, मैं खूबसूरत था। एक दिन तारा सिंह मुझसे कुश्ती लड़ने को आया। जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने कहा आई एम रेडी एनी टाइम, तो भाग गया। अरे हंसते क्यों? अरे चपकली, आज तेरी माँ को पूछता हूँ जाके। चल यार, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा कुर्ता खराब कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा जिसे। अरे ओ कजरी की माँ, क्या हुआ? देख तेरी बेटी छिपकली ने क्या हाल किया है मेरा। क्या हो गया? क्या किया उसने? जब बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने मुझे कचरे में धकेल दिया। आने दो उसे, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम उसको कुछ भी कह दोगे मगर मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखना। देख मेरा हाल। हे भगवान, इस लड़की को कब अकल आएगी? आ गई तू? कहाँ थी इतनी देर से? सारा दिन भटकती रहती है करमजली। सारे गांव में नाक कटा के रख दी है मेरी। सारे लोग दिन भर शिकायत करने के लिए आते रहते हैं। अभी चाचा जी भी शिकायत करते हैं। क्या करती रहती है तू? मारती रहती है मुझे। अब रो क्या रही है, चल जाके काम कर। दिन भर मुझे मारती रहती, नहीं करना मुझे तुम्हारा काम। हे भगवान, इसे कब अकल आएगी? अरे गोवर्धन भाई, मैं चाहता हूँ आप शादी कर डालो। क्या? अरे मैंने एक लड़की देख के रखी आपके लिए। क्या? कौन है? खुशनसीब? अरे अपने गांव की वो शांता बहन है ना, उससे कौन शादी करेगा? अरे शांता बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बेटी है ना कजरी। क्या क्या ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अरे मियाँ, जितना तुम कहोगे उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दूंगा मैं। ये लो। अरे ये तो उसका रस्म का हो गया और शादी का। ये लो, ऐसे और भी है मेरे पास। अच्छा चलो भाई, अपना काम तो हो गया। क्या? अरे मतलब तुम्हारा काम हो गया, अब चलो। चलो कजरी के पास चलो। चलो चलो, शादी करने को तैयार? चलो फिर शादी करवाते हैं। अरे शांता बहन, कौन है? हाँ शांता बहन, कैसी हो? मजे में। शांता बहन अपनी वो कजरी ना, उसके लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए शांता बहन। कौन है लड़का, कहाँ का है? अरे लड़का अपने गांव का ही है। कौन है? यही है लड़का। ये गोवर्धन भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कजरी तुम्हारी बेटी की नहीं, पोती की उम्र की है। इस उम्र में तुम उससे शादी करोगे? अरे मैं कहाँ आया हूँ, ये मुझे लाया, ये मैं थोड़ी आया हूँ, ये लाया ये। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा रिश्ता लाते हुए? अरे शांता बहन, इसमें बुराई क्या है? आज इसकी शादी हो जाएगी, कल इसका अंतिम संस्कार। बेटी राज करेगी, राज करोड़ों का मालिक है, और तुम्हारी भी चांदी चांदी है। बताइए आपका इरादा क्या है? इरादा अभी बताती हूँ। मिठाई उठाई लाने को गई है तुम्हारे लिए, इस खुशी में 1000 और। अपनी बात में वजन है ना, याद करोगे? हाँ शांता बहन, क्या इरादा है? इरादा अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो? अरे इसकी तो अंतिम संस्कार की तैयारी होगी शादी से पहले। अरे कल्लू भाई, आपने शादी करा लो? अरे क्या कर? अरे क्या कल्लू भाई, कैसे हैं? अच्छा हूँ भाई। और क्या हाल है? अरे भाई बहुत बढ़िया। और आपका वो शादी का इरादा क्या है? अरे भाई लड़की कहाँ है, करूँगा ना भाई। अरे इकबाल भाई के होते हुए लड़की की क्या कमी है, खाली इकबाल भाई का माल है ना। अरे मिल जाएगा ना भाई। हाँ तो रेडी है ना? हाँ रेडी है। तो चलो फिर। हाँ चलो भाई, उस दिन के जैसे जूता तो नहीं पड़ेगा ना भाई। अरे क्या बात कर रहे हो कल्लू भाई, अभी भी करा के आ रहा हूँ धाम धूम से। और रही बात जूते की, तो अभी पूरा जूते की दुकान मिलेगा। चलो तो चलो। अरे यार रोहित, तू मेरी एक बात भी नहीं सुनता है। क्या बात? आज सैटरडे है, चलो कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। तुझे पता है ना कि मैं सैटरडे को कोई भी काम नहीं करता हूँ। लेकिन क्यों यार? सैटरडे को मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित? अरे तुम पाप ही कब करते हो जिसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ता है? राजू तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। हम ऑफिस जाते हैं ना, जाते हैं ना, तो रास्ते में हम हमारी गंदी गंदी निगाहों से लड़कियों के पूरे अंग को देखते हैं, देखते हैं ना। अरे हाँ बोलना। हाँ मैं उन्हीं पापों का प्रायश्चित करता हूँ, आई बात समझ में? तो ठीक है,
तू बैठकर यहाँ प्रायश्चित कर, मैं घर जाकर आराम की नींद सोता हूँ। जा 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 जा। गया। क्या? क्या हुआ? मेरा काम हो गया और कुछ काम बाकी है तो बोलो। हाँ बाकी है ना। क्या साहब जी? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते हो? मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ। तुम लोग लालच देते हो और उस मौके का फायदा उठाते हो और ऐसे फेंक देते हो अपनी हवस पूरी करके जैसे दूध में मक्खी। मैं ना ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो फिर कैसी लड़की हो? बताओ। हाँ बताओ। कैसी लड़की हो? बताओ। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये भी ऐसी लड़की नहीं है, है? बाबा क्या कट पीस आया? Excuse me? हाँ? जी? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे सपना कहते हैं और मुझे सिन्हा साहब से मिलना है। जाइए, वो आप ही का सपना देख रहे हैं। क्या? I mean to say, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? मैं लड़कियों की बात का कभी बुरा नहीं मानता। कही, कही। तुसी बड़ी क्यूट हो। एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम फिर आ गई। मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो। मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। क्या कह रही हो? आप मुझसे शादी करोगे? क्या कह रही हो? आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं? मैं सभी लड़कियों से शादी करूंगा। क्या? इधर मेरी बात सुनो। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे शादी का ऑफर दिया है। सच? बिल्कुल सच। लेकिन शादी से पहले सुहागरात की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, है ना? सर जी क्या है? किसके सपने में खोए हुए सर जी? किसके सपने में खोए हुए थे अब इन्हें बताना पड़ेगा। अरे अच्छा भला सपना देख रहा था आके तोड़ दिया। अनपढ़ गवार कहीं का। साहब जी मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ रोहित बाबू, मैं क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफाइड? अच्छा हाँ। क्वालिफाइड हो? हाँ। इसीलिए तो प्यून हो अब... से हट। क्या सरजी? मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है, प्यून कहीं का। अरे पांडे यार कितने दिन हो गए ढंग की लड़की नहीं भेजी, ब्लडी फूल, ब्लडी इडियट। हेलो, अच्छा भाटिया जी ने भेजा इंटरव्यू के लिए? हाँ भेज दो। भाटिया कह तो रहा था पटाखा है। आने दो। May I come in, sir? Come in. नाम क्या है आपका? जी सपना। सपना? नाम तो बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशंस क्या है? लगता है आपने मुझे अच्छी तरह से देखा नहीं। हुँ? लोग मुझे देखने के बाद मेरा क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, लोग मुझे देखते ही पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी बनने लायक तो तुम हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि पर्सनल सेक्रेटरी करती क्या है? क्यों नहीं सर, पर्सनल का मतलब आपकी अपनी। अपनी? अब अगर पर्सनल और मेरी अपनी तो फिर इतनी दूर क्यों? आ जाओ। क्या बात है, क्या जिस्म है। सब कुछ यही करेंगे? नहीं अंदर करेंगे। आ जाओ, ये है हमारा पर्सनल कमरा जहाँ हम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से पर्सनल बातें करते हैं। देखो आज तुम्हें नौकरी, तरक्की, घर, बंगला, गाड़ी सब मिल जाएगा अगर तुम हमें खुश करो। मैं आपको ऐसा खुश करूंगी कि आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। वेरी गुड, हम तैयार हैं। आ जाओ। Thank you.
हे भगवान, तूने मुझे मर्द क्यों बनाया? और अगर मर्द बनाया भी तो फिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहा है? जब भी कोई ना कोई लड़की पटाने जाता हूं, कोई ना कोई ट्रेजेडी आ जाती है। क्या बात है रोहित? लो आगे ट्रेजेडी। तू आज फिर परेशान नजर आ रहा है। अरे कुछ नहीं यार, जब भी किसी लड़की के पास जाता हूं, उसे छूने की कोशिश करता हूं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रोहित तू ये सब छोड़, तू मुंबई में किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे नहीं यार, मेरी शादी मेरे चाचा चाची कराएंगे, और अगर उनको बिना बोले मैंने शादी कर ली तो मैं खानदान घर सबसे निकाला जाऊंगा। अरे यार रोहित, सपनों की दुनिया से निकल। आज मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तेरे हर अरमान पूरे हो जाएंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ? ऐसी कौन सी जगह है? ना ऐसी जगह पहले क्यों नहीं बताया? रोहित आज शाम को मैं तेरे घर आऊंगा, तैयार है ना? ठीक है, पक्का पक्का, शाम 7 बजे। वो बॉस आगे। क्यों रे राजा, तुझे मेरी याद नहीं आती? अरे कितने दिनों बाद आया है तू। मुझे भी टाइम कहाँ है, काम से फुर्सत मिले तब तेरे पास आऊँ ना। चल अब जल्दी से उतार, जल्दी जल्दी कर क्योंकि धंधे का टाइम है। अरे मेरे पास भी कहाँ टाइम है जो तेरे साथ चिपक रहा हूँ। आ जा जल्दी कर। उधर क्यों खड़ा है, इधर आना। आप आ रहा हूँ ना। ये क्या है, क्या है? मैं नहीं पीता, नहीं नहीं। इसे पीने के बाद छोड़ो छोड़ो। हट हट हट। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं? क्या सारा, पुलिस को भी अब बीच आने का था क्या? आओ डार्लिंग, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। वाह रोहित वाह, क्या नसीब है तेरा यार। एक ये है जिसके नसीब में रोज नई से नई लड़की है, और एक मैं हूँ जिसके नसीब में कुछ भी नहीं। ना जाने मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं। ये रहा हमारा छोटा सा आशियाना। आओ बैठ। बहुत थक गई हो ना? क्या डार्लिंग, बोलो ना, तुम उसे शादी कब करेगा? हाँ
तुम्हें इतनी जल्दी क्यों शादी की? पहले जिंदगी के सही मजे तो ले लो। अरे शादी करने तो पूरी उम्र पड़ी है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाता हूँ। जब देखो ड्रिंक। साहब जी आपका लेटर आया है। ये फाइल बड़े साहब को दे दो। साहब जी। अरे चाचा जी की चिट्ठी। प्यारे बेटे रोहित, यहाँ गांव में सब कुशल मंगल है, तुम्हें याद करते। शादी? मेरी शादी लड़की के साथ? अरे रोहित बेटा, अब तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे इस लड़की के जरिए। अब मजा आएगा। ए बाबू, तुमने मुझे गिराया क्यों? मैंने गिराया? हाँ। तुमने मुझे ठोकर मारी थी, मैं तुमसे नहीं टकराया था। देख नहीं रहे थे, मैं साइकिल चलाकर आ रही थी, हट नहीं सकते थे। वाह वाह गांव वाली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम गांव के लोग भी बड़े अजीब होते हो। अरे तुम शहरी बाबू। रुको अभी दिखाती हूँ। माधव चाचा, माधव चाचा, बुला बुला जाओ। माधव चाचा इधर आओ ना, देखो ना ये क्या कर रहा है, देखो ना। माधव चाचा, माधव चाचा देखो ना ये कहाँ चला गया, डर के भाग गया मुझसे शहरी बाबू। रोहित अभी तक आया नहीं, अब तुम यहाँ बैठ के हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहना, जरा भी फिकर नहीं है। अरे भगवान आ जाएगा, रास्ते में कहीं मौज मस्ती कर रहा होगा, आखिर भतीजा किसका है। चाचा जी लो आ गया ना। फाइल आ गई चाचा जी। जीते फाइल आ गई चाचा जी। जीते रहो। भतीजा किसका है? और नहीं तो अभी तक तो फिकर नहीं थी, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। क्या चाची जी, अब हमेशा लड़ती रहती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आइए ना। अभी लेकर आती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। हाँ बेटे, सफर कैसा रहा? सफर तो बहुत अच्छा था चाचा जी। हाँ। लेकिन रास्ते में एक लड़की मिल गई। लड़की कैसी थी? जैसा आप समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं थी। हाँ। लड़की नहीं, बिजली थी, बिजली बस मुझ पे गिरने ही वाली थी। मैं कैसे अपनी जान बचा कर आया हूँ मुझे ही पता है। अच्छा भतीजे एक बात बताओ, हमने सुना है कि शहर में बहुत चिकनी चिकनी लड़कियां रहती हैं, अरे किसी को पटाए उठाए कि नहीं? अरे चाचा जी, पटाया तो बहुतों को है, लेकिन बात करने से पहले कोई ना कोई टपक पड़ता है। इसलिए बेटे हमने तुम्हारे लिए गांव में सुशील सी लड़की देख रखी है। हाँ गांव की लड़की होगी तो कोई बीच में ना टपकेगा, ना रोकेगा, ना टोकेगा, तुम्हारी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी ना। चाचा जी, जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो लड़की दिखने में कैसी है? अरे तुम्हारे शहर के सारे लड़कियां उसके सामने पानी कम चाय है, एकदम सुंदर है देखने में। हाँ आखिर चाचा हो तुम्हारा, आखिर हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ कि नहीं? अरे तुम भी क्या याद करोगे भतीजे उसको देख के कि चाचा ने भी क्या चीज दी है। पके रहूंगी। ये लग गई। ला मेरे 25 पैसे। मैं नहीं दूंगी, तुम
चिटिंग करती हो क्या? देखती हूँ कैसे नहीं देती। मुझे दे, तूने बोला था देगी, नहीं देगी। मैंने कहा नहीं। गजरी, अरे तेरी माँ तुझे बुला रही है। अभी तो तू बच गई, मैं माँ से मिलकर आती हूँ, फिर देखना। ए पगली गई की देखा, चली गई। हम चलते हैं। चलो मैं इसलिए कहती थी साड़ी पहनना सीख ले, साड़ी पहनना नहीं सीखेगी तो ससुराल में कैसे रहेगी। माँ मैं क्या सलवार कमीज नहीं पहन सकती? नहीं बेटा, जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो वो औरत बन जाती है, और औरतों को सलवार कमीज पहनना शोभा नहीं देता। माँ तू भी चल ना मेरे साथ वहाँ पे। हे भगवान, तू इसे कब अकल देगा? वहाँ मैं नहीं, तुझे अकेली जाना पड़ेगा, समझी? हाँ, तब तक तू साड़ी पहनना सीख ले, समझी कि नहीं समझी? समझी। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं। अरे रोहित बेटा, ऐसा ही बैठे रहोगे? अरे भाई देर हो रही है, तुम्हारे होने वाली ससुराल चलना है, तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करनी है। क्या हुआ बेटा, शादी की बात सुनकर भी खुश नहीं हुआ? कुछ मुसीबत आ गई है? अरे नहीं चाची जी, आप लोगों के होते हुए कैसी मुसीबत। बस माँ बाबूजी की याद आ गई थी, अगर वो होते तो आज कितना खुश होते। बेटा क्या हम लोगों ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाबूजी से कम प्यार दिया है? और फिर ऐसे मौके पर कम से कम उदास नहीं होते? मैं उदास नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि आप जैसे चाचा चाची हर एक को मिले, ताकि इस दुनिया में कोई अनाथ न रहे। ए, ऐसे शुभ मौके पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ रोहित बेटा चल, चल चल, देर हो रही, चल उठना। चल, अरे उठना। हंसो हंसो, बहुत बढ़िया हंसते हो। हाँ, चल, 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 चल। अरे तू कब आई? अभी मेरे शोहर मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा, तेरी शादी के बहाने आ गई। अच्छा सुनना, अच्छा हो तू आ गई, तुझसे एक बात पूछनी है। ये शादी आखिर होती क्या है? ये शादी ब्याह मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब तेरी शादी होगी तू अपने ससुराल चली जाएगी, तुझे सब पता चल जाएगा। नहीं मुझे तू बता, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी सहेली, मैं तुझे बताती हूँ। सुन, तेरी शादी होगी, तू ससुराल जाएगी, तब तुझे सुहाग स्टेज पर बिठाएंगे, उसके बाद तेरे पति आएंगे, तेरा घूंघट उठाएंगे, ग्लास में रखा हुआ दूध पियेंगे, दूध पियेंगे, उसके बाद लाइट बंद कर देंगे, उसके बाद वो तुझे सताएंगे। सताएंगे क्यों? दूध पीने के बाद सताएंगे? हाँ। तो फिर मैं उन्हें दूध ही नहीं पीने दूंगी। अरे जो भतीजे जल्दी से आओ। अरे भाभी। हाँ। अरे देखो रोहित आया है। नमस्ते, नमस्ते। आइए ना बैठिए, बैठिए। और सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है भाभी। भाभी एक कजरी कहीं नहीं दिखाई दे रही। बुलाती हूँ। अरे बिमला जरा कजरी को लेकर तो आ। चाची बुला रही है, चलो चलते हैं। एकदम चकाचक है। अरे भतीजे तू चिंता न कर। अरे रुक क्यों गई? चलो ये तो वही है। अरे चाचा ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझसे टकराई थी। इसको तो बिल्कुल अकल नहीं है, ये उस दिन बच्चों के साथ खेल रही थी, एकदम बेअकल है। अरे इससे मेरी क्या शादी कराओगे आप चाचा? अरे भतीजे तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूँ ना। बेअकल है तो क्या हुआ, शादी के बाद तो अकल आ ही जाएगी ना, सब होशियार हो जाते हैं शादी के बाद। मैंने बताया था ना उसने मुझे साइकिल से गिरा दिया था और भाग गया था, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे रुक जाओ, वो तुम्हारा होने वाला पति है, क्या तुम उसे मारोगी? पक्की बात? हाँ पक्की बात है। पक्का? पक्का भतीजे, बस चुपचाप बैठा रहे, मैं बैठा हूँ ना। अच्छा ठीक है चल। जीत रहो बेटा, जीत रहो, जीत रहो। जा इनके लिए नाश्ता पानी लेके आ, जा। अरे भाभी
शादी की तारीख कब की पक्की करें? जब आप लोग कहोगे हम तो राजी हैं। जरा हम रोहित से तो पूछ ले। अरे इससे क्या पूछना, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अरे क्या चाची, क्या चाची लगा रहे हो भतीजे, तो फिर जल्दी से लड्डू को मिलवा देते हैं। उसकी आने से पहले ही मैं ये दूध पी लूंगी, वरना अगर वो पी लेगा तो हम पूरी रात सताएगा। वाह क्या मुखड़ा है, चांद का टुकड़ा है, क्या आंखें हैं, मन करता है कि नहीं पी लूं। हैं पी लूं? क्या पी लूं? वो दूध। तुम दूध पीती हो? हाँ मैं रोज रात को सोते समय दूध पीती हूँ। तो पी लो। पी लिया? आओ। नहीं अभी सोना है मुझे। मुझे भी तो सोना है। तुम्हें सुहागरात का मतलब नहीं पता? सुनो सुनो सुनो। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं छोड़ो ना मुझे। तुमने तुमसे शादी की है? साड़ी उतार। हटो ना। अरे साड़ी क्यों उतार रहे हो? कैसे नहीं उतार? अरे सुहागरात में सब होता है। उतारो। नहीं उतारो, फटेगी साड़ी। उतारो। अरे उतारती क्यों नहीं? चलो हाँ उतारो। तुमने मेरी साड़ी खोल दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुको, तुमने मेरी साड़ी क्यों खोली? तुमने मेरी साड़ी क्यों उतारी? बोलो बोलो क्यों उतारी? पागल हो? क्या कर रही हो? मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, जाओ। चाचा चाचा के बच्चे, कहाँ फंसा दिया मुझे, कहाँ फंसा दिया? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? चाचा चाचा। आह सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया खटिया है। हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कमरा कहाँ सजा रहे हो? अरे भगवान बैठो बैठो तो बैठो। बात दरअसल ये है कि तुमको पता है ना कि आज अपने रोहित भतीजे की पहली सुहाग रात है। और अपनी बीसवीं। बीसवीं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। कुछ होता है नहीं, ढोलक पीटते रहते हो, फटफट फटफट फटफट। देखो तुम एक शेर को ललकार रही हो। हाँ शेर काहे के शेर, बिस्तर पर आते ही हाँफने लगते हो भेड़िये की तरह। हाँफने लगता हूँ भेड़िये की तरह? लेकिन भगवान आज ऐसा कुछ नहीं होगा, गोली खाकर आया हूँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे छोड़ो ना, देखो देखो कोई आया है। अरे अपने दरवाजे पर कोई थोड़ी ठोक रहा है, बाजू वाले के दरवाजे पर ठोक रहा होगा। चाचा चाचा, अरे हमारे दादा दरवाजा खोल दो। चाची बन गई तुम्हारी सुहागरात। अरे आई कर दी। कौन है? चाची। अरे बहू आओ आओ। क्या हुआ बहू? चाची मुझे तुम्हारे साथ सोना है। मेरे साथ? वो बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे तो सोने नहीं देते। कहाँ कोई बात नहीं। हटो जी हटो हटो जी। लेकिन चाचा हुआ क्या? चाचा देखो इसने क्या किया, यहाँ आ गई। एक मिनट यहाँ बेटा यहाँ आओ। तुम समझ रहे हो इसको सुहागरात का मतलब नहीं पता? एक मिनट भाई पकड़ो जी। चलो चलो मैं समझाता हूँ। अरे समझते भी नहीं हो? चलो अरे एकदम बुढ़ापा खो गया। चलो बैठो बेटा बैठो। चाची मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। हाँ सो जा बेटा सो जा सो जा। ये क्या कर दिया तुमने उसके साथ? अरे चाचा जी मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ भी नहीं किया तो क्या ऐसे ही भाग गई है? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेहनत? कैसी मेहनत? इतने दिनों के बाद तो तुम्हारी चाची मानी थी। हाँ और तुम दोनों ने आकर के उसके ऊपर भी पानी फेर दिया। अरे चाचा तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे मुझ बदनसीब को देखो, आज मेरी सुहागरात है, आज मुझे अपनी
पीवी के साथ सोना चाहिए था और यहाँ मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ रहा है। भतीजे, ऐसी रातें तो तुम्हारे जिंदगी में बहुत आएंगी। मेरे कहने का मतलब है रोज रोज आएंगी, लेकिन हमारी जिंदगी में तो साल में एक ही बार आता है ना। शर्म करो चाचा, जरा शर्म करो। तुम अपनी चाचा मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं बाहर जाके सोऊंगा, अकेला सोऊंगा, पर यहाँ नहीं सोऊंगा। अरे 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 भतीजे, अरे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ले रोहित। अरे रमा, तुम और यहाँ? हाँ, मैं तो तुम्हारी बीवी से मिलने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्यों हो? अभी तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था, है ना? अरे उस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें उस दिन का कुछ बुरा तो नहीं लगा? देखो रोहित, बात काटने की कोशिश मत करो। वैसे तो तुम्हारी सूरत बता रही है रात का फसाना। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। हाँ रोहित, तुम घबराओ मत, जरूर जरूर तुमने कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उसे पसंद नहीं आया होगा, या तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं आया होगा। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि सुहागरात में करते क्या हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि सुहागरात में क्या होता है, तुम ही बताओ। मैं ही बताऊं? हाँ बता दूं। बताओ। यहाँ थोड़ी ना बताऊंगी। तो फिर कहाँ? वही वही खंडर में चलना, बता भी दूंगी और समझा भी दूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है ठीक है। माँ, ओ माँ, माँ मुझे दूध दो ना, मुझे दूध पीना है। क्या हुआ बहू? क्यों माँ को बुला रही है? मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है। अरे तुम इस उम्र में दूध पियोगी भला? हाँ, नहीं तो क्या आपकी उम्र में दूध पियूंगी? हाय दैया। अरे क्या बात है, है? देखो ना जी, बहू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, इस उम्र में दूध मांग रही है। अरे बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना। ठीक हो जाएगा? हे भगवान, भाग फूट गए मेरे रोहित के। अरे क्या भाग फूट गए तुम्हारे रोहित के, है? अरे तुम भी तो इसी तरह की छोटी थी जो गोदी में उठाकर बिस्तर पर ले आता था मैं। शर्म करो, कैसी बातें करते हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और कम से कम नहीं तो बहू की तो शर्म करो। मैं चलती हूँ, तुम भी संभालो अपनी बहू को। इल जल्दी काल कर देवी है ना। रो बच्ची, दूध चाहिए ना, हम मंगवा देंगे। अरे वाह भाई वाह, देखा भगवान कितनी सुंदर बहू लाया हूँ, कितनी सेवा करती है तुम्हारी है। ये तो तुम ठीक कहते हो, लाखों में एक है मेरी बहू। वो तो है। अरे रोहित बेटा। जी चाचा जी। अरे वहाँ से कहाँ जा रहे हो? अरे जरा इधर तो आओ, आओ। चाचा जी। हाँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। अरे रुको, खीर खा के जाओ, बहू ने खास तुम्हारे लिए बनाई है, जा बहू लेकर। जा बेटी जल्दी से लेकर आ। अच्छा एक बात बताओ रोहित भतीजे, ये रोज सच धज के तुम कहाँ जाते हो? अरे समझा कर जिए ना चाचा जी, आप भी कैसी बात करते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भतीजे, अरे जब हम तुम्हारी तरह शादी करके लाए थे ना, तब तो हम घर से बाहर कदम ही नहीं डालते थे। क्या, अब कुछ मत इशारा करो, एक काम करो, जाओ पहले चुपचाप खीर खाओ, जाओ। चाचा जी आप भी ना। अरे अरे कुछ नहीं, जाओ जल्दी जाओ। गए? अरे भगवान तुम कहो तो तुम्हारे पैर दबा दे। हाँ हाँ, तुम तो इसी लायक हो, दबाओ जरा अच्छे से दबाना। अरे कहो तो गला भी दबा दो। लो खीर खाओ। मैं खा लूंगा। नहीं। अरे मैं खा लूंगा, हाथों से खिला देती हूँ।
आपको? मुझे थोड़ा उल्टी जैसा हो रहा है, पर तुम ये क्या कर रही हो? वो आपको उल्टी हो रही थी ना, इसलिए। मैं ठीक हूँ। रोहित आओ ना, रोहित रुक क्यों गए तुम? मैं डर गया था कहीं कोई देख ना ले। अच्छा, प्यार भी करते हो और डरते भी हो। अच्छा भी चलो। ये तुम क्या सोच रही हो रमा? कुछ नहीं रोहित, सोच रही हूँ कि ये दुनिया मेरे और तुम्हारे संबंध को क्या नाम देगी। एक पीवी का या एक रखेल का? तुम दुनिया वालों की परवाह मत करो, मैं तुम्हें अपनी बीवी का नाम देकर ही रहूंगा। लेकिन कैसे? मैं आज ही जाकर अपने चाचा जी से मुंबई जाने की बात करता हूँ, और जैसे ही वो मुझे मुंबई जाने की इजाजत दे देंगे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सच में रोहित? बिल्कुल सच। तुम मुझे मुंबई अपने साथ ले जाओगे? क्योंकि यहाँ छुप छुप के मिलना लोगों की नजरों में आ सकता है, वहां तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, समझी? आई लव यू रोहित। आई लव यू टू। आई लव यू। और रोहित ये क्या? अपनी बात पूछ लो। मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। रमा 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 रमा। ए रमा, जानती हो? क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे चाचा जी ने मुंबई जाने की इजाजत दे दी है। सच? और हमें मुंबई के लिए कल ही निकलना है। सच? बिल्कुल सच। और अब तुम जल्दी पैकिंग करो, तैयारी करो। आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। ए, तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ? मुंबई जाने में सफर में पूरे 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन तक मुझसे इंतजार होगा नहीं, समझी? समझाता हूँ। चलता हूँ चाचा जी, पाय लागू। पाय लागू चाचा जी। जीते रहो। बेटे शहर में अपना ख्याल रखना और पहुंचकर चिट्ठी लिखना। हाँ। लो कुछ खाने का सामान है, बहू ने तुम्हारे लिए बनाया। हाँ। आरती आरती तो लो ना बहू से। हाँ। बहू आरती उतारो। मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही वहां जाकर रहने का इंतजाम हो जाएगा तुम चाचा और चाची के साथ आ जाना। ख्याल रखना बेटा। ख्याल रखना बेटा। हाँ जी। चिट्ठी लिखते रहना। जी चाचा जी। हम जल्दी आएंगे। चलो 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 बेटा, भीतर चलो चलो। ये रहा हमारा आशियाना। अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? अब देखते ही रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलो। आओ आओ, देखो ये है हमारा गरीब खाना। आज से तुम इस घर की रानी हो और मैं इस घर का राजा। क्या रोहित, तुम भी यार इतने अच्छे घर को गरीब खाना बोल रहे हो? देखना 2 दिन में कितनी अच्छी हालत कर दूंगी इस घर की। ठीक है। हाय रोहित। अरे हाय शिवा। अरे क्या कहा यार? कैसे हो यार? मैं फर्स्ट क्लास। अरे यार काफी दिनों से दरवाजे पे ताला लगा हुआ देखा तो मैंने सोचा जरा मिल लो। मैं गांव गया हुआ था। अच्छा अच्छा।
एक मिनट, शादी वादी कर ली क्या? ये मेरी बीवी। अच्छा अच्छा, रमा, रमा नाम है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। काफी खूबसूरत है भाभी जी। क्या है कि इससे तो बता नहीं होगा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा नाम शिवा है। जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी याद कर सकती हो। लगता है कि मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। याद जरूर कीजिएगा। नमस्ते भाई साहब। कबाब में हड्डी। रोहित कितने अच्छे होते हैं ना शहर के लोग, कितना अच्छा आदमी था ना। छोड़ो उसका, तुम इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो रोहित? दो दिन का सफर काट के आया हूँ, दो दिन की कसर तो पूरी कर लेने दो। रोहित मुझे नहाना है। अरे क्या करोगी नहा के, ऐसे ही अच्छी हो। नहीं रोहित प्लीज प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ ना। अरे अरे मैं आती हूँ नहा कर। अरे अब तो दिन और रात रमा के साथ। रात में हाँ जी सर, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। ओके ओके सर, मैं 5 मिनट में, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। रमा, ओ रमा, अरे कहाँ हो तुम? ऑफिस जाने में देर हो रही है। क्या है रोहित, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अरे मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं ऑफिस जाऊँ। मन करता है कि दिन रात तुम्हारे साथ यूं ही प्यार करता रहूँ। रोहित हमें यहाँ पर आई हो कितने दिन हो गए, मगर तुम मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जा रहे हो। कब ले जाओगे मुझे घुमाने के लिए? देखो ऑफिस का काम बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आज शाम जैसे मैं ऑफिस वापस आऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तुम तैयार रहना। ओके? वो तो हर रोज वादा करते हो तुम। आज पक्का 100%। देखते हैं। अब एक प्यारी सी किस दे दो। हाय हाय एवरीबॉडी, आ गया अपना दोस्त शादी करके। शादी मुबारक हो यार। थैंक यू। शादी मुबारक हो। थैंक यू। और भाभी कैसी है, और तू पार्टी कब दे रहा है यार? अरे बस 2-4 दिन में हम सब एक हिंदी फिल्म देखने चलेंगे। अरे तू हिंदी फिल्म कब से देखने लगा यार? क्या भाभी ने तुझे टेंशन दे दिया? अरे क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे ये सब बहाना नहीं चलेगा, आज तो तुझे पार्टी देनी होगी भाई। ओके ओके ओके, आज ऑफिस के बाद मैं एक शानदार और लाजवाब पार्टी दूंगा जहाँ हम सब चलेंगे। ये रोहित अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, रोज तो इस टाइम पर आ जाता है। हाय रमा जी। हाय। लगता है आप किसी का इंतजार कर रही हैं। अरे हाँ, आप रोहित के सिवाय किसका इंतजार करेंगी? बेचारा रोहित, लगता है ऑफिस से आने में देर हो गई उसको। लेकिन रोज तो इस टाइम पे आ जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ होंगे। अरे चिंता मत कीजिए रमा जी, आ जाएगा आ जाएगा। कहाँ जाएगा वो? मगर कब आएंगे, आज ही ऐसा किया उन्होंने। रमा कहाँ हो तुम? रमा इतना टाइम लगाते हो चेंज करने के लिए। रमा रमा क्या है? क्या बात है, नाइटी पहन के आई हो? रोहित ये क्या, आज तुमने शराब पी है? हाँ पी है। दोस्तों को तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। इसलिए उन्होंने शादी की पार्टी मांगी और मैंने दे दी, और थोड़ी सी। हाँ रोहित, तुम्हें तो अपने दोस्तों की पड़ी है, तुम्हारा घर चले या ना चले, तुम्हें क्या मतलब है उससे? अरे भूल गया यार, भूल गया, तुम्हें वादा किया था तुम्हें बाहर ले जाने का, तो अब इस गलती की कितनी बड़ी सजा दोगी? रात खराब करोगे क्या? चलो इधर आ। रोहित अरे प्लीज, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रंग रलिया मनाने नहीं आई हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है यहाँ पर। अरे क्या आज तक तुमने मुझे एक साड़ी भी खरीद कर दी है क्या? देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही मुझे पगार मिलेगी तुम्हारे सारे सपने सारे अरमान पूरे कर दूंगा। पगार पगार पगार, आखिर ये पगार मिलेगी कब? अरे मेरी जान, ये शहर है शहर, गांव नहीं। या एक ग्लास खरीदने के लिए भी पगार का इंतजार करना पड़ता है, समझे? मुझे नहीं करना है इंतजार, तुम ही करो। अरे छोड़ो ना पगार वगैरह की बात, चलो चल के सोते हैं। मुझे नहीं चलना है रोहित, तुम जाके सो जाओ। अरे यहाँ अकेली सो के क्या करोगे, चलो चलो सोते। मुझे नहीं छूना, मैंने कहा ना तुम्हें। ओके वो सो जाओ, जाओ तुम जाकर सो जाओ।
ठीक है तुम्हारी मर्जी, आज अकेले ही सो जाते हैं, ठीक है। सो रही है, लगता है अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है, मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, पटाओ। रमा 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 क्या है? सो रही हो? सुबह हो गई है, अभी तक नाराज हो? उठो उठो उठो, हाँ अभी तक नाराज हो? देखो सुबह हो गई है, मुझे एक कप चाय तो दे दो। रोहित एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी, समझ में आ गया ना तुम्हें? लगता है तुम अभी तक नाराज हो, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। बना लो और पी लो। पक्का? हाँ पक्का, जाओ। अरे यार ये कहाँ आके फंस गई मैं, क्या क्या सोचा था मैंने, मगर ये रोहित तो पूरा कड़का निकला, पूरा कड़का। नमस्ते रमा जी। अरे अरे शिवा जी, आइए आइए बैठिए ना। कैसी हैं आप? बस मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन आपके चेहरे की रंगत कुछ फीकी लग रही है, उदास सी लग रही है, कहीं रोहित से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात है नहीं, मगर आपसे तो कभी कोई बात छुपी है नहीं, तो आपसे क्या छुपाना। एक बात बोलूं रमा जी, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, जब जो चाहूं मैं कर सकता हूं, लेकिन एक बात है, सिर्फ एक बार आप मुझे सेवा का मौका दें तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। गुड। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराना चाहता हूँ, यानी कि पूरा मुंबई घुमाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगी कि शिवा के क्या क्या जलवे हैं। आओ बैठो। चलो। और मेरी जान,
तुम इतनी रात के कहां गई थी? तुमने शराब पी है? हाँ पी है। तुमने पीते क्या? अगर मैं शराब पीऊंगा तो क्या तुम भी शराब पियोगी? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। रोहित मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं तुम्हारी रखेल हूँ। रखेल, मैं जब चाहूँ किसी के भी साथ जा सकती हूँ, समझे तुम? तो इसका मतलब है कि तुम किसी और के साथ बाहर गई थी? हाँ हाँ गई थी। तो क्या हो गया? तुमने मुझे दिया क्या? तुमने तो मुझे रोहित नौकरानी बनाकर छोड़ा, नौकरानी बनाकर। और उस इंसान ने मुझे एक दिन में पूरी जन्नत की सैर करवा दी। क्या जन्नत? आज पता चला है मुझे तुम्हारी असली औकात। रोहित तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो एक रखेल जैसी बीवी की इज्जत क्या करेगा? चलो छेड़ो यार, मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। अगर रमा चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? एक काम करता हूँ, इसे जाके मनाता हूँ। नहीं, अभी अगर जाकर मनाया तो गुस्से में और नाराज होगी, तो मैं जाता हूँ। आखिर रमा गई कहाँ? ना बेडरूम में है, ना बाथरूम में है, और ना ही किचन में है। आखिर कहाँ जा सकती है? मैं तुम्हारे दोस्त शिवा के साथ जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी नजरों में औरत एक नौकरानी है जो घर में काम और रात को पति के लिए बिस्तर में आराम का सामान बन के लेट जाए। तुमने कभी भी मेरे अरमानों को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। हे भगवान, जिस औरत के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, और आज उस औरत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मेरी बीवी कजरी के साल में होगी। पकड़ लिया।
बात है गजरी? बहुत उदास नजर आ रही हो और दोपहर से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। देख ना बिमला, उनको गए हुए आज 10-12 दिन हो गए और कुछ खबर भी नहीं भेजी है। जब वो तुम्हारे पास थे तो तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी, और आज वो दूर हो गए तो उनकी याद में तड़प रही हो। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उनको कभी कुछ कहा ही नहीं, बस उनके साथ सोई नहीं ना। हर मर्द के लिए प्यार के साथ साथ औरत का जिस्म भी जरूरी होता है, और तुमने उसी चीज से दूर रखा। और याद रख, अगर जिस्म की चाहत में कहीं कोई भी गलत कदम उठ गया तो तू जिंदगी भर पछताएगी। हे भगवान, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पति तो परमेश्वर का रूप होता है, उसकी मन की इच्छा भगवान की इच्छा के बराबर होती है, और तूने उसे छूने तक नहीं दिया। बस और कुछ मत बोलो, मुझे मुझे रोहित के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो, मुझे रोहित के पास जाना है, मुझे रोहित के पास जाना है, मुझे रोहित के पास जाना है। गजरी, गजरी, अरे चाची देखो गजरी को क्या हो गया। गजरी, चाची, चाची देखिए गजरी को क्या हो गया। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल इसने 2 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से इसे थोड़ी सी कमजोरी आ गई है और चक्कर आ गया है। मैंने गोलियां दे दी हैं और साथ ही मैं ये दवाई लिख देता हूँ। आप जल्द से जल्द ये दवाई इसे दे दीजिएगा ताकि इसे होश आ जाए। बाकी घबराने की कोई बात नहीं, दिन में 3 टाइम इसे 2-2 चम्मच ये दवाई दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसका ध्यान रखिए, इससे जल्द से जल्द होश आ जाएगा। हे भगवान, न जाने अचानक मेरी बच्ची को ये क्या हो गया है। मुझे रोहित के पास जाना है। लगता है इसे पता चल गया है कि पति क्या होता है। चाची, आप इसे मुंबई क्यों नहीं ले जाती? शायद रोहित से मिलकर इसकी तबीयत ठीक हो जाए। रोहित। अरे राजू, आ बैठ यार। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम गांव जा रहे हो? हाँ राजू, मैं आज ही गांव जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। यार, लेकिन किस लिए? भाभी कहाँ है? भाभी नजर नहीं आ रही। वो मेरी बीवी नहीं है। और उसके चक्कर में मैं अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ आ गया। देखो रोहित, तुम लोगों के बीच में जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैं आज ही गांव जाऊंगा और अपनी बीवी से मिलूंगा। भगवान करे मेरी बीवी को सब समझ आ गई हो, उसको सही बुद्धि मिले और उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। ठीक है, जी आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे भगवान, वजह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ जानती हूँ, पर अब हम रोहित को ढूंढे कहाँ? यही तो मुसीबत है कि रोहित को ढूंढे कहाँ। हाँ ये तो है, उसका पता भी तो नहीं मालूम कि शहर जाकर उसको कहाँ तलाश करेंगे। हा? हा? देखो जी, पाय लागू चाचा जी, पाय लागू चाची। जीत रहो। क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों हुआ? अरे रोहित, तू आया कैसे? हम तो तेरे ही पास आने की सोच रहे थे। हाँ बेटा, बहू की तबीयत। क्या हुआ कजरी को? उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, बस तुझे ही याद कर रही है। क्या? जाकर बेटा जल्दी से मिल ले उससे। लेकिन वो है कहाँ? अपने मायके में है।
मैं अभी जाता हूँ। मगर बेटा सफर से थका हार आया है, कुछ खा पी तो ले। अरे जाने दो भगवान, इसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। जा बेटा। चलो भीतर चलते हैं। हाँ। कजरी उठ, रोहित वापस आ गया है। क्या? हाँ रोहित वापस आ गया है। तू सच बोल रही है ना? हाँ मैं अभी अभी रोहित से मिलके आ रही हूँ। वो आगे? अरे रुक जा, तुझे डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया था ना, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मुझे मत रोक, मुझे जाना है, मुझे इनके पास जाना है। अरे कजरी। कैसी हो कजरी, ये क्या हो गया तुम्हें? आप आ गए हो, बस मुझे सब कुछ मिल गया है। कजरी अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दीजिए ना। कोई फिक्र की बात नहीं, अब हम हमारी सुहागरात फिर से मनाएंगे। अरे वाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आज दूध नहीं पियोगी? आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, आज तुम दूध पियोगे और मैं अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊंगी। बस एक मिनट, क्या हुआ, कभी इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी क्या? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, जाओ अपने घर पे अपनी बीवियों के पास, वरना तुम्हारी बीवियां भी। अब मैं वैसे थोड़ी हूँ। सुना? अरे जाओ ना यार, कब तक बैठे रहोगे, मुझे अपनी सुहागरात मनानी है, समझा करो। बाय।